नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुरहानपुर में रेत माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। जिला प्रशासन को लगातार ताप्ती नदी में रेत माफियाओं द्वारा अवैध रूप से रेत का खनन कर उसे संग्रहित करके रात के अंधेरे में परिवहन करने की शिकायत मिल रही है। अल सुबह बुरहानपुर SDM KR बडोले साधारण पर्यटक की तरह नाव से नदी के घाट पर पहुंचे। माफियाओं को शक न हो, लिहाजा SDM KR बडोले ने पर्यटक के रूप में अपने 6 वर्ष के पुत्र को भी साथ ले गए। मौके पर पहुंचे SDM ने बड़ी मात्रा में रेत का संग्रहण पाया। जब खनन माफियाओं को असलियत पता चली कि साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति साधारण नहीं बुरहानपुर SDM KR बडोले हैं, तो वह मौके से भाग खड़े हुए। SDM की सूचना पर मौके पर पुलिस और राजस्व खनिज विभाग का अमला पहुंचा और खनिज विभाग ने करीब 250 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध रूप से संग्रहित रेत जिसकी कीमत 7 लाख रुपए आकी गई है पंचनामा बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। ये काफी दिनों से शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे जो राजघाट के सामने है यहाँ पे लोगों के द्वारा रेत का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है। इसके संबंध में आज मैं आया और हमारे पटवारी और RI के द्वारा यहाँ पे सारे जब्ती नामा किया है। लगभग 250 ट्राली रेत यहाँ पड़ी हुई है, चूँकि रेत एक साथ नहीं है, 10-12 ट्रिप यहाँ, फिर 4-6 वहाँ, ऐसे करके टुकड़ों में 250 ट्रिप रेत पड़ी हुई है। और रेत माफियाओं ने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए और ये गड्ढे जानलेवा भी है, क्योंकि हो सकता है कभी कोई यहाँ पे रात में निकले तो अगर गिरता है तो जान भी जा सकती है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।